when did you get married? मैंने तो उल्टा उल्टा सुना कि जी क्योंकि शादी हो गई है. 2010 हाँ एंड वी वरंट इन टच बैक देन. नो तो क्या सोचा शादी? बस मैंने सोचा कि यार मेरी पहले तो होता था ना कि मेरी दोस्तें प्रेग्नेंट हो रही हैं और माशाल्लाह और वो सब, हाँ तो बच्चे बड़े हो रहे थे. आई वाज लाइक तुम मतलब कि क्या. सो आई थिंक जो पहला नो प्रपोजल आई आया थिंक कर लो. दिस इज इम्पोर्टेंट. आई वॉन्ट टू नो ऑल्सो, आई एम श्योर एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि एक एक औरत है जो कि बहुत पढ़ी लिखी है और उसका बहुत अच्छा करियर चल रहा है, मॉडल सुपर मॉडल रह चुकी है, अवार्ड जीते हैं, एक्टिंग में भी बहुत अच्छा करियर चल रहा है. डिड यू फॉल इन लव? नो यू डिडंट. आई जस्ट गॉट मैरिड बिकॉज आई थॉट इट वॉज टाइम. बट क्या बच्चे करने थे क्या? हाँ मतलब कि बेबीज यू होने वॉन्टेड चाहिए, बेबीज? मेरी फैमिली होनी चाहिए. मैं मॉडलिंग में भी बाय चांस आई, एक्टिंग हाँ में भी बाय चांस आई. तो ये सारी चीज़ें नहीं, मैं तो 17 साल पे शादी हो जाती मेरी. मैं तो उस टाइप की हूँ. हाँ ऑल्सो कि ATM नहीं होने चाहिए, एक सूटकेस में पैसे होने चाहिए और वो बिस्तर के नीचे. बहुत ओल्ड स्कूल हूँ हाँ इसे तो मज़ा आता है जब ना कि मेरे सूटकेस में कभी पैसे हुए, लेकिन मज़ा आए अगर एक सूटकेस में पैसे हो इसी ना. ना. मैं तो हर दफ़ा जाती हूँ तो लाइक आई एम लाइक दुआओं इनके ATM में फंस ना जाए और हाँ वो या सारा. तो वो एग्जैक्टली पैरानोया या उस तरह का, शायद ये हाँ ओल्ड एज पैरानोया, आई हाँ डोंट नो. सो शादी. हाँ तो बस वो शादी उस तरह से बस हो गई कि मैंने सोचा अच्छा चलो लेट्स चेक इट आउट. हाँ इट वॉज अ वेरी नॉन सीरियस अप्रोच. हाँ बट अल्लाह मियाँ ने बस वो फास्ट ट्रैक कर एंड यू दिया. मूव टू दुबई. आई मूव टू दुबई एंड देन वी हाँ मूव टू लंडन. अच्छा मगर 10 महीने में इट वॉज ओवर. इट वॉज नॉट यू यू रियलाइज दैट दिस वॉज नॉट द नो आई वुड हैव यू डिडंट वॉन्ट दिस बिकॉज आई एंड एम ओल्ड स्कूल. मैं तो वो वही वाली ना कि अर्थी ही उठेगी टाइप के, बस यही ओके. और जो मेरे बदले होंगे वो मेरे बच्चे लेंगे और वो उस हाँ तरह से. बट नो ही कॉल्ड इट ऑफ एंड आई थिंक ही रियलाइज हाँ दैट इट्स नॉट कंपैटिबिलिटी नहीं है. हाँ कंपैटिबिलिटी नहीं है. तो इसलिए वर यू हार्ट ब्रोकन? यस आई यू वॉज वर. हार्ट ब्रोकन मोर अबाउट वो जो एक डिवोर्स का स्टैम्प लग जाता है. हाँ एक तरह से वही चीज़ ना कि इतना कुछ कर लिया ज़िंदगी में लेकिन एक डिपार्टमेंट में आप फेलियर हैं. स्टिग्मा बन जाता है ना, डिवोर्स एक सोशल स्टिग्मा है सोशल स्टिग्मा नहीं है, ज़्यादा आपका पर्सनल असेसमेंट है कि यू हैव फेल्ड इन समथिंग एंड द बिकॉज डिवोर्स. सोसाइटी मेक्स इट सच अ बिग डील, दैट्स व्हाई. या दैट्स व्हाई बट देर सो मेनी लकी डिवोर्स गर्ल्स आउट देयर माशाल्लाह. एंड आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन इट्स नॉट अ टैबू. मेरी किस्मत में शायद अल्लाह ने कहा कि सब्र करो, हाँ लेकिन सो मेनी डिवोर्स गर्ल्स दे री मैरी एंड दे वेरी हैप्पी. हाँ सो अब मुझे लगता है कि वो स्टिग्मा भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं था. लाइक हाँ माई मदर सॉ दैट आई वॉज अनहैप्पी एंड शी वॉज लाइक जस्ट लीव एवरी थिंग, आई डोंट केयर, आई विल बी हैप्पी इफ यू गेट अ डिवोर्स. एंड आई शुड बी लाइक नो नो मामा, आई हैव गॉटन मैरिड एंड आई कांट. तो वो शुक्र है कि वो उसकी तरफ से आया तो ठीक है. या आई डोंट हैव एनी गिल्ट और एनी थिंग. बिल्कुल सही है. और डोंट बी उसके टॉक. साथ बिल्कुल हाँ रिवायती बीवी थी कि मतलब अपना गुर्दा देने के अलावा, मतलब कि आई डिड एवरी थिंग, आई केयर फॉर हिम एवरी थिंग. तो जब आ गया ना उसके बाद जब एक्सेप्टेंस हो गई तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि अगर मैं ये कर लेती तो अगर मैं वो कर लेती, नथिंग. आई रिमेंबर यू आर सो क्लोज टू योर मदर, वेरी 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 क्लोज. शी वॉज माई मैं वन एंड ओनली. एब्सोल्युटली आई रिमेंबर यू आर सो क्लोज टू हर. एंड आई ऑल्सो रिमेंबर हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी कि यू नो उस वक्त भी जी क्यू 90s में एक जो एरा था ना कि बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ आती थी बीबी टाइप, हाँ बहुत अच्छी बैकग्राउंड से. हाँ फिर एक एरा आया कि नहीं, बहुत एक अजीब सी क्लास एक मॉडलिंग में आनी शुरू हो गई. यार मैंने जब तक हम लोग थे, जब हम जॉर्डन और हर जगह हाँ जा रहे हाँ थे हाँ प्रिया शेरू के साथ, इमरान कुरैशी के साथ, बल्कि सुनीता भी वॉज मिसिंग दीज थिंग्स दैट या डे कि आजकल की मॉडल्स को तो ये उन्होंने एंजॉय नहीं किया. जो ट्रिप्स पे बाहर आपको मज़ा आता है, हाँ सिस्टरहुड और वो, बेशक शॉपिंग में मतलब कि सब नहीं उधर जाना है उधर जाना है वो उस तरह की चीज़ें, बट बड़ा मज़ा आया नहीं बट व्हाट आई वाज कमिंग एट रैंप इज पे हाँ जब हम चल. एक ऐसा टाइम आया कि हाँ जब पीछे वाली का हमने सुना है कि वो अल्लाह माफ़ करे लेकिन रात के 20,000 ले रही है, तो मैंने सोचा कि तो जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि ये वाली शायद ज़्यादा ले रही है मगर ले रही है. हाँ सो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये नहीं है. प्लस सामना पता है हम बड़े मासूम थे जब हमने शुरू किया था, हमें नहीं था कि अच्छा गरारा किसको मिल रहा है, ब्राइडल कितना, तुम्हें कितने हाँ मिल रहे हैं. क्लोज कौन कर रहा है, ओपन कौन कर हम रहा है. शुगल के लिए करते थे. वी यूज्ड टू जस्ट कि वो अच्छा आ गए और मज़ा आएगा, यू नो हाँ उस तरह से. हाँ पैसे भी हमें लाइक जो मेरा पहला शो था गुल अहमद का शो था, बट लाइक आई थिंक वी ऑल गॉट 5,000. वी या स्टार्टेड फ्रॉम 5,000, वेंट अप टू फॉर अ शो, फॉर वन शो फॉर वन शो. 5,000 एंड शूट्स के 2,000 मिलते थे. मगर वो आपकी अपनी
सो आई एम हैप्पी दैट माई मदर एंड मिसेस फैल्बोस अलाउड मी टू हाँ मॉडल बिकॉज पैसे की कदर होती है हाँ और जो आपको वो एक दफ़ा लग जाए ना वो चस्का टाइप थिंग कि आपके अपने कमाए हुए उफ, ऑफ कोर्स उसके बाद आप किसी के आगे हाथ ही नहीं फैला ऑफ सकते। कोर्स और तो ये जब इतनी एम्पावरमेंट है इस चीज़ में कि वाकई है ना, तो फिर जब एब्सोल्युटली आप हक हलाल का कुछ कर रहे हैं और एंड देन लाइक यू नो आप अपना कमा रहे हैं एंड देन यू आर हियरिंग कि अच्छा दिस इज़ व्हाट पीपल माइट बी थिंकिंग, सो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। बट देखियो ये था ना कि मतलब यू केम फ्रॉम एन एस्टैब्लिश बैकग्राउंड एंड हाँ एवरीथिंग, मगर ये एक उस वक्त था नोन फैक्ट था कि अ लॉट ऑफ गर्ल्स वेदर इन मॉडलिंग और फास्ट एंड ड्रामा, लूज नहीं नहीं फास्ट एंड लूज तो बाद में था वो बात नहीं कह रही, वो जो नो टर्म नो नो, थी। आई एम ट्राइंग टू, अ लॉट ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ब्रोकन होम्स बिकॉज दे हैड टू सपोर्ट देयर फैमिलीज एंड दे सॉ इट ऑल्सो एज अ लुक्रेटिव प्रोफेशन, या वो भी तो था बट ना. इट इज अ लुक्रेटिव प्रोफेशन। उस वक्त हम नहीं आउडीज और हम डिजाइनर बैग्स ले सकते थे जिसके साथ या हम ये कर रहे डिजाइनर थे। बैग कैसे सब ले लेती है, मुझे प्लीज आज ये बता ही तो दो. अब बिकॉज फॉर मेनी मॉडलिंग वॉज अ मीन्स टू एन एंड, हाँ और वही चीज जो मैं कह रही हूँ आई मीन द एंड इफ बीइंग शुगर डैडीज. ऑल्सो हाँ मैं जब शुरू में करती थी ना इट वॉज अ हाई आमना, मैं रैंप से पहले बड़ी नर्वस होती थी हमेशा। विल ट्राई एंड पुल आउट सम ऑफ योर क्लिप्स. हाँ मगर जब वो मैं बस रैंप पे जब वो हुआ ना कि अच्छा ऑन, यार एक हाय था, हाँ आप किसी को नहीं देख रहे थे, आप इंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता को मैंने 15-20 साल किए है, या टुवर्ड्स दी एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक व्हेन माई फ्रेंड्स बोले ओ अच्छा वो इंडियन मॉडल्स आएंगे, ओ बड़ी हॉट है, ओ ये, तो मुझे फील हुआ कि अच्छा ये जो सब आ रहे हैं देखने के लिए इसमें से ठरकी अंकल्स भी हैं हाँ एंड दे नॉट लुकिंग एट माई क्लोज, दे लुकिंग एट माई बॉडी ऑलवेज या विच आई डोंट नो हाउ, हाँ आई नेवर थॉट शुरू में ऑफ इट नहीं था दैट वे। ऐसा, इतना शुरू में हाँ इतना नहीं था. मे बी शायद आहिस्ता आहिस्ता ऑफकोर्स हमारे लिमिट्स थे, कुछ हाँ मॉडल्स के थे कि अच्छा ठीक है हम इतनी स्कर्ट पहन लेंगे, स्लीवलेस पहन लेंगे, लेकिन लाइक नो शॉर्ट्स ये वो, आहिस्ता आहिस्ता फिर आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम हाँ एवरीथिंग बिकेम, मैं पीसी में एक ब्राइडल कुचोर या वन ऑफ दोज थिंग्स के लिए लाइक आई वॉज अ शो स्टॉपर, सो मॉडल्स आर कमिंग इन लिटिल शॉर्ट्स एंड लिटिल ड्रेसेज एंड हम लोग तो वो जीन्स टी शर्ट्स पहनते थे उसके अंदर वो जो हाँ छोटी वाली टी शर्ट्स अगर पहन ली तो हाँ आई वॉज लाइक अच्छा ये तो मैं तो आई डोंट आई कुडंट रिलेट टू इट कि हम पाकिस्तान में ही हैं, हम हाँ पीसी की लॉबी से गुजर कर यहाँ हाँ के मतलब सब लोग हैं, हाँ तो हम कैसे ये हम कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग दैट फीलिंग ना दैट लाइक ओ नो दे लुकिंग एट मी, उसके बस एक साल के बाद आई वॉज लाइक यू लाइक आई एम डन, ये आई एम क्या, डन. मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। हाँ आई गेस एंड व्हेन आई हाउ इजी मैच्योर्ड वाज द टेलीविजन इंडस्ट्री, बिकॉज वहाँ भी कास्टिंग नहीं काउच तो बहुत नहीं सख्त सख्त है. अल्लाह का शुक्र है कि इवन एज मॉडल्स वी वर हाँ प्रोटेक्टिंग द बॉयज हाँ इन सर्टन प्रोविंसेस व्हेन वी वेंट टू डू शोज, ओके हाँ वेरी फ्रैंकली तो हमें कभी मॉडलिंग में तो कभी ऐसी चीज़ नहीं थी। जब आप यहाँ आकर आप अगर आपने किसी के बारे में सुना भी है आप कहें जी सलाम अलैकुम सर, वो उनके अगर कोई नोशंस हो वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से लाइक आई बिन हियर फॉर सो लॉन्ग नथिंग,